हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थीम प्रो वीट गेट एंड वॉलपेपर एप्लीकेशन के बारे में। जानेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे सेटअप करना है अपने फ़ोन पे, और भी सारी चीज़ें इसमें क्या क्या फीचर है सब कुछ देखेंगे। फिलहाल में भी आप देखो, यहाँ पर इसको अभी 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड किया, 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। हम जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा आइनो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और फाइनली हम आ चुके हैं इस ऐप के होम पेज पे। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें, वो बताता हूँ एक एक चीज़ करके। अभी फ़िलहाल में अभी आपके सामने ये लोडिंग ले रहा है, और जैसे ही आप इसमें आते हैं ना तो आपको यहाँ पर मिल जाए 240 का कॉइन, ठीक है ना। और ये कॉइन कब कहाँ कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर अभी आपको थीम शो करेगा बिकॉज, और यहाँ पर वीट गेट है, ठीक है ना। तो थीम की बात अभी लोडिंग हो जाने दो पहले एक बार। ओके, फाइनली आप देखो यहाँ पर ये थीम आ चुके हैं। यहाँ दो टाइप के थीम हैं, दो तीन कैटेगरी कह सकते हैं इसको। सबसे पहले न्यू थीम है, जो न्यू न्यू लॉन्च होता है वो उस पर मिलेगा। जो एडिटेड थीम है जिसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ मिल जाएगा। साथ में आपको थीम पैकेज मिल जाएगा अलग अलग चीज़। न्यू थीम की बात करें तो देखो यहाँ पर अलग अलग थीम है, आपको इनमें से कोई अगर आपको पसंद आ रहा है कि हाँ ये थीम मेरे फ़ोन पर होना चाहिए, उसको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको एडिटेड थीम पर देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पैकेज थीम है जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगा, जैसे लोगो, वीड गेट का जो थीम है, और साथ में आइकन का थीम है, यानी हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं एक सिंपल सा छोटा सा कोई ले लेता हूँ जिसको आपको समझाने के लिए आसान हो, और इनको सेटअप करने के लिए ध्यान रखिए कैसे सेटअप करना है। चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहले वाला ही अलाउ करता हूँ। और अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखो ये आई लोडिंग लेगा थोड़ा सा, अभी यहाँ पर शो कर दिया। आप चाहें तो इसको लेफ़्ट टू राइट करके चेक कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो अभी के लिए मैं रेड वाला ही रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये तो लोडिंग लेगा। लोडिंग जस्ट कंप्लीट होते ही हम इस ऐप के इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस वाले इंस्टॉल वाले बटन पर मत क्लिक करिएगा, नहीं तो आपको ये किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए ले जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये लोडिंग हो जाए उसके बाद देखते हैं। ओके, अब देखो इस थीम का जो हम लोगों का सब कुछ यहाँ मिल जाता है, मटेरियल यानी वॉलपेपर, आइकन और वीड गेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कई सारे वीड गेट हैं, यहाँ पर तीन तो टोटल वीड गेट हैं। अब तीनों को हमको देखने के लिए हमको ऐड देखना पड़ेगा। तो देखो अभी एक ऐड चुका, तो हम इसको देख के इसको कट कर देंगे। ओके, देखो पहला जो ये कह सकते हैं कि थीम था वो हो चुका है, नहीं ये वीट गेट है, इसको हमने ऐड देख लिया, अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन स्टेप है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टेप कैसे फॉलो करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले ऐप का नाम क्या है, वो ऐप का नाम है थीम प्रो के नाम से है। तो आपको आना है होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से, और आपको मिलता है वीट गेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर जो हमारा जो ऐप है उसका नाम था वीट गेट, ठीक है ना। तो जो यहाँ वीट गेट के नाम से नहीं शो करेगा, यहाँ पर देखिए उसका आइकन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे आइकन दिए हैं, आपको इनमें से जो भी पसंद आ रहा है उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ये ऐड हो चुका है, डन करते हैं हम लोग। और अब हम क्या करेंगे, जाएंगे ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ऐप फिर से ओपन चुका है, इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये स्टेप थोड़ा लंबा हो जाता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिना फॉलो किए ये सब नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, और अभी देखो फिर से ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड कट कर देंगे हम लोग। और अभी क्या है, वीट गेट हो चुका है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया था, सेव कर देते हैं हम लोग, सक्सेसफुल सेव हो चुका है। और अभी ये सेट नहीं हो रहा है, क्यों सेट नहीं हो रहा है, जो हम लोग आइकन सेलेक्ट किए ना वो गड़बड़ है। इसके लिए हमको यहाँ पर आना है, क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। सेव पे फिर से क्लिक करते हैं, अब देखो इंस्टॉल ही सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे भी इस तरह से सेटअप वगैरह कर सकता हूँ। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। अब बात करती है यहाँ पर और भी सारे चीज़ें, जैसे यहाँ पर नीचे वाला दो है, इसको भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर में सेम चीज़ें हैं जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वीडियो देख के। तो ये वीडियो हम लोग देख लेते हैं इसको। ओके, अभी देखो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये पूछ रहा है वॉलपेपर कहाँ सेट करना है, आप होम स्क्रीन पर या फिर कहाँ कहाँ सेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको होम पेज पे दोनों पे लगा देता हूँ मैं अभी, और ये दोनों हो चुका है, ठीक है ना। साथ में मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जो भी जो वीट गेट का फीचर है उसको भी ऐड कर लेता हूँ।
ओके देखो, अभी हमने जो तीन लोगो था वो हमने डाउनलोड कर लिया है, जिसमें से मैंने एक और लोगो यहाँ पर जो वीट गेट्स है वो ऐड कर दिया हूँ। लास्ट वाला ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ फिर लास्ट वाला मैं ऐड कर दूँगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है और जस्ट मैं लास्ट वाला भी ऐड कर देता हूँ। सेव पे क्लिक किया और ये हमारे तीनों लेट ऐड हो चुके हैं। अब बात रही आगे क्या करना है, इस पर आप आ जाते हैं और यहाँ से हम बैक होते हैं। देखो यहाँ पर ऐड होने के बाद ना जो हमारा आइकन है वो यहाँ पर आ जाता है, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा आइकन था उसको देख लेते हैं किधर गया। ये एडिटेड वाले में था, अगर नहीं मिलेगा तो आप आ जाएंगे यहाँ पर वीड गेट्स में। वीड गेट्स में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अगर यहाँ पर भी नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए किधर है आपका, अगर नहीं मिलेगा तो आपको मिल जाएगा आपके जो आप यूज़ कर रहे होंगे, जो आपने डाउनलोड किया होगा वह यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ किधर है वो। ओके देखो, कई बार आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, आपने इंस्टॉल किया होगा और मिल नहीं रहा होगा, तो आपको आना होगा यहाँ डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये मिल जाएगा थीम, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब देखो हमने जो वीट गेट है वो पूरा इंस्टॉल कर लिया है, बाद में वॉलपेपर भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब बचा आइकन का सीन, ठीक है। देखो आइकन में क्या है, आपको जितने भी वो चीज़ें होंगे, जैसे YouTube है, YouTube को चेंज कर कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये सब चेंज कर कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चीज़ें आइकन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए देखो अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको करना है बस आपको इस यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मैं YouTube को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो एक ऐड चलेगा। ऐड चलने के बाद ऐड फिनिश होगा तब जाकर ये जो हमारा YouTube का आइकन है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। चलिए मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। ओके देखो, जब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो के लिए तो यहाँ पर कुछ परमिशन है जिसको आपको एक एक करके अलाउ कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ पहले। ओके यहाँ मैंने इसको अलाउ कर दिया, यहाँ से इस तरह से अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद बैक हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे अनलॉक पे, ठीक है। अभी देखो ऐड फिनिश हो चुका, हमने ऐड कट कर दिया है। अब जो हमारा YouTube का जो आइकन है वो चेंज हो के कुछ ऐसा हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो चुका है, बस ओके पे क्लिक कर देना है। और अब चलिए मैं अपने होम पे जाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर ये आया है कि नहीं आया। तो चलिए मैं ऐप होम पेज पे आ गया हूँ और ये देखो YouTube के नाम पे ये आ चुका है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है आपको, इसी तरह से जितने भी आपका इसको मैं ऐड, देखिए ऐड आ चुका है, इस ऐड को हमने कट कर देते हैं एक बार। ओके फाइनली आप देखो इसी तरह करके आपको हर एक जितने भी ऐप आपके फ़ोन में हैं उनको ऐड करना होगा और वीडियो देख देख के अनलॉक करना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करने का मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सब बार बार ऐड नहीं देखना तो आप इस ऐप का प्रीमियम प्लान भी लेकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको सब कुछ सेटअप है, बस आपको यहाँ पर आइकन के लिए वीडियो ऐड देख के कुछ इस तरह से अपने फ़ोन पे ये लोगो ऐड करते जाना और आपका फ़ोन कुछ अलग लुक में आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहा इस एप्लीकेशन का डिटेल, आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं और सेटअप भी कर सकते हैं।